तो दोस्तों आज हम सैमसंग का फ्लैगशिप फोन अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। इसको अनबॉक्स करने में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आपको भी दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर में क्या है और बाकी सारा चीज। आज हम सैमसंग के लेटेस्ट जो है S23 अल्ट्रा के अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो है 200 मेगापिक्सल का कैमरा, फास्टेस्ट प्रोसेसर जो सैमसंग ने यहाँ पर ऐड किया है, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। पहले बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, बहुत एक्साइटेड है। बॉक्स को पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, फटाफट चलते हैं बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। S23 सीरीज का जो लाइनअप है S23 प्लस, इसका भी अनबॉक्सिंग आने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब डब्बा को ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स को ओपन करके। ओहो भाई क्या फील है यहाँ पर, जो बॉक्स पैकेज में एंड सैमसंग ने जो ग्लास मटेरियल में यहाँ पर 20% से ज्यादा रिसाइकल मटेरियल यूज किया है, बहुत ही अच्छे यूजर फ्रेंडली है यहाँ पर। तो अब बॉक्स को ओपन करते हैं, हमारा स्मार्टफोन पहले मिल जाता है। तो अब इसको साइड में रखते हैं, बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज है सब कुछ पहले देख लेंगे। तो इसको देखो भाई क्या फील है, जो डिजाइन किया गया है। तो अब इसको साइड में रख देते हैं, तो चलते पहले साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज मिला है। तो यहाँ पर और एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है सैमसंग का ब्रांडिंग के साथ। नीचे की तरफ से ओपन करके देखते हैं तो पहले आ जाते हैं यहाँ पर हमारा जो है मैनुअल्स, इसको अभी साइड में रखते हैं। और आ जाता है ब्लैक कलर में यहाँ पर चार्जिंग केबल टाइप सी टू टाइप सी का, और उसके साथ यहाँ पर हमारा मिल जाता है सिम इजेक्टर जो की है सिम पिन। सबको साइड में रखते हैं, अब आते हैं फोन के तरफ जो की हमारा प्यारा वाला फोन है। ओके तो चलो अब इसको ओपन कर लेते। जो यहाँ पर फ्लैगशिप फोन का जो मजा है, पहले जो हैंड फील है वो बहुत ही प्रीमियम से स्वैग सा फील दे रहा है यहाँ पर, जो सैमसंग ने यहाँ पर काम किया है जो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो अभी इस पन्नी को हटा देते हैं, तो अब करते हैं इसको ऑन। तो स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है सैमसंग। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो काफी सही है यहाँ पर जो डिस्प्ले है, तो यहाँ पर एक एनिमेशन आ जाता है जो काफी सही देखने को मिल रहा है। फोन तो है भाई एकदम लाल जवाब स्मार्टफोन है। हमारे पास जो है यहाँ पर ग्रीन में है, और ये जो है साइड का पोर्शन है पहले से ज्यादा जो है यहाँ पर फ्लैट किया गया है। अलग ही लेवल का डिजाइन बताऊं तो इसका जो कैमरा सेटअप है, जो इसका फ्रंट एंड बैक साइड का डिजाइन है, अलग ही लेवल का है। तो गाइस क्या फील आ रहा है, बैक साइड का जो फील है, फ्रंट साइड का जो यहाँ पर स्मूथ है, जो यहाँ पर काम किया है बहुत ही तगड़ा काम किया है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है पहले सिम का ट्रे, उसके बाद आता है चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाला, और उसके बाद आ जाता है स्पीकर ग्रिल्स एंड हमारा स्पेशल एस पेन। सिम कार्ड का जो स्लॉट है यहाँ पर नैनो सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है एक नॉइस कैंसिलिंग माइक मिल जाता है, और जो है यहाँ पर राइट साइड में मिल जाता है हमारे पास वॉल्यूम बटन, उसके साथ है पावर बटन। ये जो पूरा साइड का फ्रेम है ये मेटल का फ्रेम है, एंड सामने पीछे ग्लास है जो की है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, गिनने के बाद भी ये टूटेगा नहीं। डिस्प्ले जो है यहाँ पर 6.8 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2x HD पैनल देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज जो है इसका एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। HDR 10 प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। 1750 nits जो है इसका पीक ब्राइटनेस है। ये जो फोन है इसका बेजल्स बहुत ही पतला कर दिया गया है, जो साइज है बेजल्स का वो एक यूनिफॉर्म साइज कर दिया गया है। सैमसंग की तरफ से जो लेटेस्ट जो यहाँ पर प्रोसेसर किया गया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 गैलेक्सी, जो कि सैमसंग के लिए अपना यहाँ पर स्नैपड्रैगन और सैमसंग का जो कोलैबोरेशन है बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। हाँ गाइस, ये जो प्रोसेसर है सबसे लेटेस्ट एंड तगड़ा प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग का फील है वो एक नेक्स्ट लेवल का फीलिंग है। यहाँ पर सैमसंग ने एक नया चीज ऐड किया है जो कि है विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी। ये जो सिस्टम है, आप धूप में हो या आप घर में हो, इसका जो ब्राइटनेस है वो अपने आप एडेप्ट कर लेता है। ये टेक्नोलॉजी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इसमें फिंगरप्रिंट भी आता है जो कि है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट आता है इसमें, एंड इसमें फेस लॉक भी सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी बैंड जो है इसमें 5G तो ऑब्वियसली सपोर्ट करता ही है, वाईफाई 6E का सपोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 आता है, और लेटेस्ट कनेक्टिविटी सपोर्ट इसमें है। IP68 रेटिंग है पूरा सिम कार्ड स्लॉट में भी, जो इसका फुल बॉडी है पूरा IP रेटेड बॉडी है। मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन जो है पूरा एक ऑलराउंडर फोन है। बात करते हैं इसका डिस्प्ले की, डिस्प्ले जो है सबको पता ही है सैमसंग का डिस्प्ले कितना अच्छा होता है। यहाँ पर जो इसका डिटेल है, जो इसका कॉन्ट्रास्ट है, कलर से वो एकदम मस्त लेवल का है। यहाँ पर जो स्पीकर है वो एक स्टीरियो स्पीकर है। तो चलो अब इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो गेमिंग के लिए यहाँ पर अलग से गेमिंग लॉन्चर भी दिया गया है सैमसंग ने। अब आप नेक्स्ट लेवल तक गेमिंग कर पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे, मजा ले पाओगे।
बहुत सारा गेम्स यहाँ पर आपको लॉन्चर में देखी जाएगा, आप आराम से खेल पाओगे। मजा तो बहुत है भाई, जो तगड़ा प्रोसेसर का गेमिंग का मजा ही अलग है। गेमिंग का परफॉर्मेंस यहाँ पर आपने देख ही पाया, यहाँ पर जो है सैमसंग ने वेपर का जो चेम्बर है पहले से ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो है ऑलराउंडर सेटअप जो है अब हाई लेवल का जो गेमिंग है वो आराम से कर पाएंगे। और एक नया चीज जो है यहाँ पर रे ट्रेसिंग, जो गेमिंग का मजा है हाई टू हाई एंड गेमिंग का जो तगड़ा चीज है वो फील कर पाओगे, मजा ले पाओगे। गाइस बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिल रहा है। ये जो फोन है ये 45 वाट चार्जिंग के साथ आता है एंड जो है 15 वाट वायरलेस चार्जिंग के साथ ये देखने को मिलता है। ये जो फोन है सभी तरफ से मेंटेन किया गया है, किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं है। तो आप आ गया टाइम कैमरा टेस्ट करने का, तो चलते हैं, आपको कैमरा डिटेल्स अगर आप बता देते हैं चलते हैं फटाफट, जो हमारा मेन चीज है कैमरा उसको टेस्ट कर लेते हैं। कैमरा का जो सेटअप किया है सैमसंग ने बहुत ही तगड़ा सेटअप किया है। यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर पहले आ जाता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, उसके बाद जो है यहाँ पर 200 मेगापिक्सल का एक लेंस देखने को मिलता है, उसके बाद आ जाता है एक 10 मेगापिक्सल का 3x जूम ऑप्टिकल जूम के साथ एक लेंस देखने को मिलता है, और दूसरा जो है यहाँ पर 10x का एक पेरिस्कोप जूम लेंस देखने को मिलता है। सेल्फी कैमरा जो है यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि है ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा के साथ में आता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो कैमरा सैंपल्स हमने क्लिक किया है, जो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर बहुत सारा मोड्स है यहाँ पर, वो सारा मोड से हमने बहुत सारा पिक्चर्स भी क्लिक किया है। इसका डिटेल रिव्यू भी आने वाला है, अगर आप इस वीडियो में 1000 कमेंट्स करेंगे तो आपको इसका डिटेल रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा। गाइस इसका जो पिक्चर्स क्वालिटी है, जो इसका मोड्स है, बहुत सारा जो मोड्स का काम है वो नेक्स्ट लेवल का काम हो रहा है, बहुत ही तगड़ा है। पिक्चर्स इसके बाद आपको देखने को मिल ही जाएगा, आप पिक्चर्स देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपने पिक्चर्स देख ही पाया, कैसा लगा पिक्चर्स आप मेरे को कमेंट में बताना, और डिटेल रिव्यू के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो गाइस इसमें जो खासियत है जो है एस पेन, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा एस पेन है, इस एस पेन से आप रिमोट क्लिक करके पिक्चर क्लिक कर पाओगे, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हो रिमोट जो है यहाँ पर रिमोट क्लिक करके हमने पिक्चर क्लिक किया एंड जो इसका जो एस पेन है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें बहुत सारा गेस्चर्स भी देखने को मिलता है, आप बहुत आराम से जो काम कर पाओगे यहाँ पर। बहुत ही यूनिक सा चीज लगता है मेरे को ये एक फ्लैगशिप फोन में ये जो एस पेन है बहुत ही इम्प्रेसफुल है। यहाँ पर आप आराम से नोट ले पाओगे, आराम से जो है यहाँ पर आप ड्रॉइंग कर पाओगे, जो यहाँ पर साउंड निकला वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो अब बात करते हैं इसका सिक्योरिटी अपडेट्स की, तो यहाँ पर सैमसंग ने क्लेम किया है 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट, 5 साल का इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिल रहा है, जो कि काफी स्टेबल है एंड 4-5 साल तक आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं है। ओएस की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग का अपना वन यूआई 5.1 देखने को मिल रहा है, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट यूआई है। तो लास्ट में यहाँ पर प्राइसिंग की बात कर देते हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग वेरियंट देखने को मिलता है, सब में जो है 12GB का फास्ट रैम देखने को मिलता है। स्टोरेज में 3 वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट है वो आता है 256GB स्टोरेज के साथ में, जिसकी प्राइस है 1,24,999। सेकंड वन जो है 512GB के साथ आता है, जिसका प्राइस है 1,34,999 एंड लास्ट में जो है टॉप वेरिएंट है 1TB स्टोरेज के साथ में, जिसका प्राइस है 1,54,999। अभी S23 सीरीज में बहुत सारा ऑफर्स देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन में आप देख सकते हो बहुत सारा ऑफर्स यहाँ पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। गाइज अगर आप कोलकाता के आसपास है तो यहाँ पर आपको कौशिक मोबाइल दे रहा है बहुत ही यहाँ पर बहुत सारा ऑफर्स, अच्छी काफ़ी जो है डिस्काउंट्स दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएगा। सो गाइज इन द एंड ऑफ द वीडियो तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि ये जो फ़ोन है बहुत ही तगड़ा फ़ोन है, नेक्स्ट लेवल फ़ोन है, जस्ट प्यार आ गया इस फ़ोन से। एंड अगर आपका कुछ जानकारी है मेरे को कमेंट में बताना, आंसर दे दूंगा इसका सब कुछ। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, कमेंट करना, ऐसी तगड़ी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और एक नया वीडियो लेके, टिल देन बाय बाय दोस्तों।